अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में ही इस बेल आइकन पर दबा के ऑल पर टैप कर दें, जिससे कि आपको हमारी ओर से सभी लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एमआई यूज़र्स के लिए बनाई है, वो लोग जो कि एमआई के हैंडसेट को यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी एक पर्टिकुलर नोट को अपने होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। तो गाइज, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए गाइज, ये यहाँ पर मैंने, जैसे आज 27 नवंबर है और मैंने यहाँ पर एक नोट चिपका रखा है और इसमें लिख रखा है टू डू किट टू गो टू द मार्केट एंड सेकंड टू टॉक विद अमित। ठीक है, जैसे कोई बंदा है तो मेरे को कुछ याद रखना है, वो मैं नोट में लिख सकता हूँ। अब आपको किसी भी एक पर्टिकुलर नोट को इस तरीके से होम स्क्रीन पे कैसे लेके आते हैं वो मैं बताऊँगा। देखिए गाइस, ये इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ, होम स्क्रीन पर सबसे लास्ट में भी रख सकता हूँ, इसकी साइज़ वगैरह सब बड़ी कर सकता हूँ। ओके, ये कैसे होता है? अब मैं इसी नोट्स पर टैप करता हूँ। यहाँ पे मैं जो चाहे, जो आपको क्या करना है, नोट में जाना है और जो भी आप नोट लिखना चाहते हो वो लिख दें। ओके, और उसके बाद जैसे ही आप सेव कर दोगे तो यहाँ पे आपको तीन डॉट मिलेंगे ऊपर, और जैसे ही आप तीन डॉट पर टैप करोगे तो आपको आएगा प्लेस ऑन होम स्क्रीन, और जैसे प्लेस करोगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा दिस नोट इज़ ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन होम स्क्रीन। तो ये तो ऑलरेडी प्लेस था, तो जो जो नोट्स को आप प्लेस करना चाहते हो उनको ओपन करें और उसमें अंदर तीन डॉट आएंगे, उस पर जाके प्लेस ऑन होम स्क्रीन कर दें। उसके बाद आपको बाहर आपकी होम स्क्रीन पर कहीं पर भी ये नोट दिखाई दे जाएगा। ओके, फिर बाद में आप इसको टैप करके इसकी जो साइज़ है उसको मेंटेन कर सकते हो, दोबारा से रिसाइज कर सकते हो और जहाँ भी चाहे कहीं भी इसको अपने होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके फ़ोन में नीचे की तरफ तीन बटन आते हैं, सबसे लेफ़्ट वाले बटन को टैप करके रखना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ ये जो लॉक होम स्क्रीन लेआउट होता है इसको अनलॉक कर लेना। इससे क्या होगा कि आप अपने जो नोट है आपका उसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो अपनी पोजिशन के हिसाब से। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसे मेरे मेन होम स्क्रीन पर रख सकूं तो मैं इसको यहाँ पे आसानी से रख सकता हूँ। तो गाइस, वीडियो छोटी सी थी लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से वो अपने पूरे दिन के टास्क को मेंटेन कर सकें और कैसे याद रख सकें। लेकिन होम स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम अपने काम को पूरा एलोबरेट करके रख सकते हैं, जिससे कि हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है वो हमें याद रहे और हमें उसे टाइम पे कर पाएँ। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में ही गाइज इसी वीडियो के नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ आप उसको जाके भी ज्वाइन कर ले। थैंक्स गाइज, लव यू एंड बाय।